नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ बीएन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लॉ रिएक्टिविटी। जो मेटल से जो लॉ रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, मेटल का जो सीरीज होता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें से जो लॉ रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो जानना जरूरी है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में लॉ रिएक्टिविटी में कौन कौन सा मेटल आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा दिखाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और उसमें से लो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल आते हैं उसका हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर का जो ये है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट रिएक्टिव है। और ये बीच का जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये है मिडिल रिएक्टिव। और लेस्ट रिएक्टिव जो, दैट मीन्स लो रिएक्टिव मेटल में कौन कौन सा आ जाता है, कॉपर आ जाता है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। दैट मीन्स ये तो हम इसको तो नोबल मेटल भी बोलते हैं। और मेनली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कॉपर और मरकरी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ओके, ये नेचर में क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये कॉम्बाइन स्टेट में पाया जाता है। और कौन सल्फाइड ओर के साथ में ये कंबाइन करके रहता है, तो इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो मेटल है मरकरी और कॉपर, ये दो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, मरकरी और कॉपर को। जो मरकरी होता है ये नेचर में सल्फर के साथ में कंबाइन करके रहता है, जिसको हम बोलते हैं सिनाबार। याद रखेंगे, जब मरकरी जो है एजी जो है सल्फर के साथ में कंबाइन फॉर्म में जब रहता है उसको हम बोलते हैं सिनाबार। और जो कॉपर है, कॉपर भी सल्फर के साथ में रहता है, जिस सल्फाइड और के साथ में रहता है एक कॉपर सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने देखा कि इधर में सिनाबार है। ओके, मरकरी सल्फाइड, सल्फाइड ओर के साथ में है, जिसको हम सिनाबार बोलेंगे। तो एक मेथड हमको याद रखना पड़ेगा, जब भी हम कोई भी सिनाबार को उससे अलग करना है, सल्फर से अलग करना है, तो हमको हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, क्या मेथड है, जो सिनाबार जो है मरकरी जो सल्फर के साथ में कंबाइन होकर रहता है, जिसको हम बोलते हैं सिनाबार। सिनाबार को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करना है, दैट मीन्स हीट करना है। हीट करने के साथ में क्या हो जाएगा, ये मरकरी ऑक्साइड बन गया और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल के चला गया। और फिर हमको क्या करना है, मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करना है, इसको अगेन वी हैव टू हीट। ओके, हीट करके दैट मीन्स रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू मरकरी। देन ये क्या हो जाएगा, ये किसके साथ में हम रिड्यूस करा रहे हैं, इसको फर्दर हीट करके हम रिड्यूस करा देंगे और ये मरकरी अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन अलग होकर चला जाएगा। तो इस टाइप से हमको मरकरी वापस मिल जाता है। फिर से एक बार बता दूं, जो मरकरी जो है सल्फाइड के साथ में सल्फर के साथ में कंबाइन होकर रहता है, जिसको हम सल्फाइड बोलेंगे, और सिनाबार बोलते हैं, उसका नाम क्या है, सिनाबार। तो आपको पूछ भी सकता है व्हाट इज सिनाबार। सिनाबार कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे मरकरी जो है सल्फर के साथ में कंबाइन होकर रहता है, जो उसी को हम सिनाबार बोलते हैं। तो उसको हम कौन सा मेथड से अलग करते हैं, उसको हम करते हैं रोस्टिंग से। ओके, रिड्यूस टू द मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का अगर डिफिनेशन पूछेंगे तब भी आप लिखेंगे द मेटल को, जब भी हम लोअर एक्टिविटी मेटल होना चाहिए ना, लोअर एक्टिविटी मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ओके, उसी तरह से यहाँ पे कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर का एग्जाम्पल क्या है, कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सल्फाइड और कॉपर सल्फेट है ना, और कॉपर सल्फाइड जो है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। ओके, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड को अगेन फर्दर हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा कॉपर, और ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल के चला जाएगा। तो इस टाइप से हमको जो लोअर एक्टिविटी मेटल्स है उसको सिंपली आपको याद करना है। लोअर एक्टिविटी मेटल्स को हम अलग करने के लिए हमको क्या करना है, रोस्टिंग मेथड यूज करना है। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपको दो ही मेटल को याद रखना है, एक तो मरकरी, एक कॉपर को। ठीक है, और इसका मैं समरी दिखाता हूँ कि समरी कैसे होता है, जो लोअर एक्टिविटी मेटल्स का आपको समरी याद करना पड़ेगा। तो कैसे आप समरी याद करेंगे, देखिए, लोअर एक्टिविटी मेटल विथ लोअर एक्टिविटी, इसमें कौन कौन सा आ गया, मरकरी और कॉपर आ गया। ये किस ओर में पाया जाता है, सल्फाइड के ओर में पाया जाता है।
और इसको हम रोस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, तो ये मेटल आ जाएगा। ओके, हमको मेटल मिल जाएगा, लेकिन वो मेटल प्योर नहीं होता है। ओके, वो मेटल प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है, तो इसको हमको रिफाइन करना पड़ता है। ओके, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करने के बाद ही हमको लास्ट में प्योर मेटल मिलता है। तो ये सीरीज को आपको याद रखना है, मेटल विथ रॉ रिएक्टिविटी, देन वो दैट मीन्स वो सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, है ना, कॉपर सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड को हम सिनाबार भी बोलते हैं, उसको रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल हमको मिलेगा, मेटल को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। ओके, रिफाइनिंग करके उसको प्योर मेटल हमको मिल जाता है। तो ये सिंपल मेथड है कैसे लो रिएक्टिविटी मेटल, मेटल ओर से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। तो ये हमने आज डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा कि लो रिएक्टिविटी मेटल्स को हम कैसे अलग करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।